पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। सुनवाई कार्यक्रम है, स्वाभाविक रूप से जमीन से हर परिवार का जुड़ाव होता है, तो जमीन संबंधी मामले थे और कहीं कहीं मामले बहुत, अब जटिल मामले बहुत ज़्यादा नहीं हैं, बहुत सारे सुधार किए गए हैं राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अंदर, और बहुत सारी व्यवस्था को का ऑटोमेशन हुआ है, ऑनलाइन सिस्टम बनाया गया है लगातार। कल भी मैंने एक पोर्टल लॉन्च किया है, उस तरह से लगातार आम जनता की सुविधा के लिए हम उसको बढ़ा रहे हैं, ताकि आम जनता को यहाँ तक आने की आवश्यकता कम पड़े, तो या फिर ऑफिस दौड़ने की आवश्यकता कम पड़े, या फिर अब कानून संबंधी विभाग है, कानून से जुड़ा हुआ है, तो कानूनी प्रक्रिया को तो पूरा करना ही हो पड़ेगा, उसके लिए जो निर्धारित समय उतना तो लगेगा ही। अब लोग जल्दी कराने के चक्कर में भी बहुत जगह फंस जा रहे हैं, है ना, परेशानियों का सामना, भ्रष्टाचार में वृद्धि होती है। अब जल्दी जल्दी करेंगे उसका गलत फ़ायदा उठा लेगा कोई पदाधिकारी, नहीं उठाए तो आसपास जो है ना ब्रोकर जिसके बारे में सूचना मिलती रहती है, उन्हीं समस्याओं के समाधान के लिए हमने सिस्टम का ऑटोमेशन करना शुरू किया है और विभिन्न तरह के ऐप्स के को डेवलप किए हैं, पोर्टल बनाए हैं। आने वाले दिनों में हम इंटीग्रेटेड सिस्टम बना रहे हैं, ताकि सारा काम लगभग घर बैठे लोग करना चाहे तो कर सकते हैं। अभी भी बहुत सारी जो प्रक्रिया है उसको हम ऑनलाइन लोग कर सकते हैं, जैसे कि नक्शा घर पर मंगा सकते हैं, आप ऑनलाइन अप्लाई कर दीजिए और स्पीड पोस्ट के माध्यम से आपके घर पर नक्शा आ जाएगा। करीब करीब 15 करोड़ दस्तावेज उनका डिजिटाइजेशन हो रहा है, जिसमें 10 करोड़ हो चुका, अब 5 करोड़ बचा हुआ है। अब समझ लीजिए कि इसके डिजिटाइजेशन के बाद कोई भी व्यक्ति अपना खतियान से लेकर और विभिन्न तरह के जो डॉक्यूमेंट्स हैं, 27 तरह के डॉक्यूमेंट्स वो ऑनलाइन उपलब्ध करा सकते हैं। अभी कल हमने जो किया है वो कन्वर्शन, यानी कि कृषि भूमि को यदि औद्योगिक भूमि में परिवर्तित करना है तो उसके लिए एक ऐप डेवलप मैंने किया है, लॉन्च किया है, कि आप उसका 10% जो मार्केट वैल्यू है उसका 10% जमा कर दीजिए ऑनलाइन, और जो डिटेल है उसको भर दीजिए ऑनलाइन, और ऑनलाइन आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। इतनी बड़ी सुविधा पहले नहीं थी कहीं, तो ये सारी चीज़ें की जा रही हैं। अच्छा सर, जिस तरीके से तो इसको इससे आम जनता को काफ़ी सुविधा बढ़ रही है, और उसके बावजूद बहुत सारी जगह है जहाँ पे कुछ हल्का फुल्का आपसी जो पारिवारिक विवाद है वो ज़्यादा अब आ रहा है, भाई में बंटवारा नहीं हुआ। अब बंटवारा तो राजस्व विभाग का मसला नहीं है, बंटवारा जो है वो सिविल कोर्ट का मामला है, टाइटल का मामला है, वैसे केसेस भी आते हैं, तो वो जो जुडिशियल मामला है, जो सिविल कोर्ट का मामला है, वैसे केसेस भी जो हमारे पास आते हैं वो जानकारी के अभाव में आते हैं, हम उनको समझा कर और सिविल कोर्ट भेजते हैं। जैसा जिस तरीके से मध्य प्रदेश में बीजेपी के द्वारा अब यादव समाज से आने वाले मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाया गया, क्या लगता है इसका असर बिहार में देखने को मिलेगा? मतलब इससे क्या फर्क पड़ेगा? बीजेपी मतलब कि जो मानसिकता है, जो उसका पारंपरिक कार्य शैली है उनकी, वह तो साइंटिफिक है ही नहीं, और वह या तो वोट के लिए धर्म का दुरुपयोग करने की कोशिश करते हैं, धर्म का नाम लेते हैं, और अब जाति का भी नाम वोट के लिए ही लेने लगे हैं। सामाजिक न्याय जैसे शब्द से उनका कोई लेना देना नहीं, और मुखौटा बनाकर किसी को भी बिठा दे तो उससे क्या फर्क पड़ने वाला? बिहार के लोग काफी जागरूक है। दूसरे प्रदेश का कोई असर पड़े, कोई MY समीकरण महागठबंधन का नहीं है, महागठबंधन का समीकरण A to Z है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी, तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाई। अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली, 9386816700। धन्यवाद।